हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप अच्छे होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो आज की वीडियो में आपके लिए फेस के लिए एक ट्रिक शेयर करने वाली हूँ कि जिससे हमारी पिगमेंटेशन होती है या फिर आपके कोई डार्क सर्कल है फेस में, तो इसको लगाने से क्या होगा कि आपकी इसमें कुछ हद तक फर्क पड़ेगा। गाइज, ये मैंने किस तरह से बनाया है मैं आपको बताती हूँ। मैंने क्या किया है कि इसमें मैंने केले के छिलके, संतरे के छिलके और वाटरमेलन उसके छिलके भी थे, नींबू को सुखाया था, और तीन चार तरह के जो भी आप फ्रूट खाते हो ना, जिसके जिसमें कि छिलके निकलते हैं, तो गाइज आप उनको सुखा सकते हो। मिक्सी में मिक्स कर देना है। इतना अच्छा फेस पैक बन के रेडी होता है ना, आप यकीन मानिए, और फेस पे इतना फर्क पड़ता है ना। मैंने खुद ट्राई किया है, तो मैं आपको बताती हूँ कि मैंने किस तरह से ट्राई किया और किस तरह से इसको लगाते हैं। ठीक है, तो आपने क्या करना है कि एक कटोरी सी ले लेनी है। ठीक है, तो आप कटोरी में दही भी ले सकते हैं, दूध भी ले सकते हैं, आपके पास जो भी अवेलेबल हो आप लीजिए। आप दही भी हो सके तो दही लीजिए, मेरे पास यहाँ पे दही नहीं तो मैंने यहाँ पे दूध लिया है। तो ये ना जो फेस पैक है, बिल्कुल थोड़ा सा डालना पड़ता है और इतनी बहुत सारी क्वांटिटी में आता है, इसकी क्वांटिटी आपको बिल्कुल कम रखनी है। मैंने यहाँ पे देखिए, मैंने इतना बिल्कुल थोड़ा सा दूध लिया है। ठीक है, तो दूध के साथ अब मैं इसमें क्या ऐड करूँगी, अब मैं इसमें बेसन, थोड़ा सा बेसन डालूंगी, यहाँ पे देखिए 1 टेबल स्पून। अब मैं इसमें ये मिक्सर जो बनाया है ना फेस पैक के लिए, इसको यहाँ पे देखिए बस इतना सा डालना है। ठीक है, और अब हम इसमें, मैं इसमें थोड़ा सा नींबू भी डाल दूंगी क्योंकि मेरे पास यहाँ पे पड़ा है, तो मैं डाल दूंगी। तो यहाँ पे मैंने नींबू को कट कर दिया है। ठीक है, तो मैं इसको इसमें डाल दूंगी। अब हम इसको मिक्स करेंगे। तो गाइज, आपने इसकी कंसिस्टेंसी इतनी गाढ़ी रखनी है जितने की फेस पैक होता है, कि आपकी लिप्स इजीली आपके फेस पे लग जाए। तो देखिए इस तरह का है। आपने इसको 5 मिनट तक इसको अच्छे से मिला। तो गाइज, इसके बारे में एक अच्छी बात ये है ना कि आप जो ये पैक बनाते हैं, की ज़रूरत आपको कोल्ड स्टोर में भी रखने की नहीं है। आप अलमीरा में रखना चाहो, आपको जहाँ मर्जी आपको सूटेबल लगे आप रख सकते हैं। ये ख़राब होने वाली चीज़ नहीं है, बस पाउडर फॉर्म में आप जितना मर्जी इसको रख सकते हैं। आप 1 साल तक रखना चाहो, 2 साल तक रखना चाहो, जितनी आपके पास क्वांटिटी है बना के। आपने क्या करना है, बस जो सीजनली फ्रूट होते हैं उसके छिलके निकाल देने हैं, और ये बहुत अच्छा है फेस के लिए ना, क्योंकि जो तो हम ये लगाते हैं ना, ट्यूब वगैरह लगाते हैं, इससे तो अच्छा ही है क्योंकि नेचुरल चीज़ है, आपको घर के जो हम खाते हैं उसी से बनने वाली चीज़ है। इसका आपकी आपके फेस में कोई नुकसान नहीं होने वाला है, आपका फ़ायदा ही फ़ायदा हो, यकीन मानिए गाइस। इतना अच्छा निखार आता है ना इसको लगाने के बाद। हो सके तो आप आधा घंटा लगाइए। चलो मैं स्टार्ट करती हूँ उसको लगाना। मेरा ये लेप बन के तैयार हो गया, मैं दिखाती हूँ कि मैं किस तरह से लगाती हूँ। तो मैंने यहाँ पे इसके लिए एक ब्रश ले लिया है। ठीक है, मैंने फेस को वॉश कर दिया, मेरे पास पट्टी सी नहीं तो मेरे पास ये हेयर बैंड था, तो मैं इसको लगा दूंगी। मोटा सा लेप लगा देना है यहाँ पे, देखिए जो इधर से मेरी यहाँ पे सनबर्न जैसा हुआ है ना, तो इसमें काफी अच्छा असर देता है। अगर आपके पास ब्रश नहीं है ना तो आप इसको हाथ से भी लगा सकते हैं। तो गाइस यहाँ पे देखिए, मैंने फेस पैक लगा दिया है। आपने एक बात ध्यान रखना, जो आपने मिक्स किया है ना, तो आपने इसको स्टोर नहीं करना है, क्योंकि इसमें जैसे दही और दूध मिक्स किया है ना तो ये खराब हो जाएगा। तो मैं आपने इसको, मैंने तो हाथ से ही कर दिया बाद में, क्योंकि ब्रश थोड़ा लूज सा था ना, फिर इसकी वजह से मैंने यहाँ गर्दन तक भी लगा दिया।
जब बेस सूख जाएगा ना, आपने आधा घंटा इसको रखना है, जितना आपके पास टाइम है। इसका कोई इफेक्ट, साइड इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है आपके फेस पे, अगर आप इसको ज़्यादा भी रखेंगे कोई साइड इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बल्कि उल्टा ज़्यादा रिजल्ट देगा उतना अच्छा। तो जब लास्ट में सूख जाएगा ना, आपने इसकी स्क्रबिंग सी करनी है, जैसे स्क्रब करते हैं ना, तो आपने वैसे ही करना है, और उससे क्या होगा कि और ज़्यादा स्किन साफ हो जाएगी बिल्कुल। तो चलिए मैं दिखाती हूँ आपको फिर। मैं आधे घंटे तक रखने वाली हूँ, क्योंकि मैंने काफ़ी टाइम बाद लगाया है ना, तो थोड़ा अपना फेस साफ भी करना था, तो मैं आधा घंटा रखने वाली हूँ। और तब तक आप कुछ और काम कर सकते हैं, आपको ये नहीं है कि आप आइज बंद करें, ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि हमने इसमें नेचुरली इंग्रेडिएंट यूज़ किए हैं। मुझे इसको लगा के आधा घंटा हो गया ऑलमोस्ट, तो यहाँ पे देखिए ये पूरी तरह से सूख गया है, और फेस में से जकड़न सी होगी। अब आपने क्या करना है कि आपने इसमें इसको थोड़ा सा गीला कर देना है, ठीक है? तो उसके बाद इसमें स्क्रबिंग करेंगे हम, तो उससे बहुत ज़्यादा फेस साफ हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा गर्म पानी लिया है, इस तरह से करना है आपने। मसाज कर देनी है आपने इसकी। यहाँ अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा है, बस आपने इस तरह से इसकी स्क्रबिंग करनी है। तो देखिए गाइस कितना फर्क पड़ा है, मैंने इसमें कोई भी फिल्टर यूज नहीं किया, नेचुरल है। यहाँ पे इसको नाइट में लगाना चाहो आप, इसको दिन में लगाना चाहो आप, इसको जब मर्जी लगाना चाहो आप, ये इजीली लगा सकते हैं ये पैक। आप जब मन करे, जब आपके पास टाइम